नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे अग्निपथ या सत्याग्रह। केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की थी। अग्निपथ योजना में 17 साल से 23 साल की उम्र सीमा वाले युवा भर्ती होंगे और 4 साल तक देश की सेना के तीनों अंगों में शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा करने के बाद से ही पूरे देश में इस योजना के खिलाफ युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जगह पर देश में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। उत्तराखंड में भी इस योजना के खिलाफ उत्तराखंडी युवा सड़क पर है। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें लगातार युवाओं को इस योजना का लाभ बताने और समझाने में लगी हुई हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस योजना के खिलाफ युवाओं के साथ खड़ा है। इस पर आज कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश भर में एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया। हालांकि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी है, लेकिन बावजूद इसके युवा लगातार सड़कों पर हैं। इस योजना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हाल ही में पूर्व सैनिकों सहित विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श भी किया। इस योजना में क्या कारण है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को इस योजना के प्रति संतुष्ट नहीं कर पा रही है, चर्चा आज इसी पर होगी, अग्निपथ या सत्याग्रह। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सरकार के मुताबिक अग्निपथ योजना के अंतर्गत देश का युवा 17 से 23 साल की उम्र में सशस्त्र बलों में भर्ती हो सकेगा। साथ ही 4 साल की सेना में सेवा देने के बाद उसको अग्निवीर की उपाधि से सेवानिवृत्त किया जाएगा। साथ ही 4 साल की सेवा पूरी होने पर 25% को नियमित सेवा में रखा जाएगा। बाकी 75% के लिए सरकार शिक्षा, नौकरी और कारोबार के लिए कई अन्य विकल्प पेश कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही ये विरोध उत्तराखंड में भी जारी है। उत्तराखंड के कई जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं और बेरोजगारों ने अपना मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस को भी सरकार को घेरने के लिए मुद्दा मिल गया है। आज भी राजधानी स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई दिग्गज नेताओं ने केंद्र की इस योजना का जमकर विरोध किया। साथ ही इस योजना को आत्मघाती योजना और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। जो योजना इन्हें लॉन्च की है उसको वापस ले, ये आत्मघाती कदम है। राष्ट्र की सुरक्षा के संग ये बहुत बड़ा धोखा होगा। आज बहुत सारे उदाहरण है पूरे दुनिया में जिसमें इस तरीके की फौज की जो कार्रवाई है उससे उनकी फौजें कमजोर भी है। रशिया का ताजा उदाहरण आपके सामने, यूक्रेन जैसे छोटे देश को जिस लड़ाई को लोग 10 दिन की या 15 दिन की बता रहे थे, कई महीने गुजर गए अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और जब भारत की स्थिति आज ऐसी है, जब चाइना ने कई किलोमीटर अंदर आके कब्जा कर लिया है और गाँव बसा लिया, पुल बना लिए, नेपाल जैसे छोटे से देश ने कई हेक्टेयर जमीन अभी हाल ही में हमारी अपने कब्जे में ले ली है, ऐसे हालातों में फौज के संग खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, इसको नेता लोग शायद ना समझे, लेकिन फौज के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल इस बात को कह रहे हैं। जनरल बख्शी ने तो इतना बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी चौपट आपने कर दी है और उस इकोनॉमी को सुधारने के लिए आप फौज के संग खिलवाड़ मत कीजिए, कोई अन्य तरीका अपनाइए। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार लगातार युवाओं को इस योजना का लाभ बताने और समझाने में लगी है, तो वहीं विपक्ष पर वार करते हुए भाजपा ने भी कहा है कि विपक्षी दल युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना राष्ट्र हित में चलाई गई योजना है। राज्य की धामी सरकार केंद्र की मोदी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है और साथ ही विपक्ष तो हर योजना का विरोध करता आया है, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं बचा है। अग्निवीर योजना निश्चित तौर पर युवाओं के लिए, देश के लिए और देश की सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बहुत विचार विमर्श के बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू किया गया है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष की एक आदत हो गई है कि जो भी कार्य माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार या भाजपा के सरकारों के द्वारा किया जाता है वो आदतन उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और उसमें ये भी विचार नहीं करते कि इसका देश को नुकसान होगा या फायदा होगा।
उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश माना जाता है। देश की तीनों सेनाओं में उत्तराखंड से सबसे ज्यादा सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश का युवा सड़कों पर है। लगातार प्रदेश सरकार इस योजना को लेकर युवाओं से प्रदर्शन न करने की अपील कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल खुलकर योजना का विरोध कर रहे हैं। देखना होगा कि योजना को लेकर विपक्ष का सत्याग्रह लगातार जारी रहेगा या फिर इस योजना से देश की सुरक्षा व्यवस्था और भी बेहतर हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं अग्निपथ या सत्याग्रह। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की थी। पहले तो युवाओं ने इस योजना का जमकर विरोध किया था। हालांकि अब कुछ युवा निकलकर सामने आ रहे हैं जो अग्निपथ योजना का समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर अभी भी कुछ युवा ऐसे हैं जो सड़कों पर हैं और लगातार इस योजना का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब युवाओं को विपक्ष का भी साथ मिल गया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस उत्तराखंड में मजबूती के साथ एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए युवाओं के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। आज ये पूरे देश में आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन किया गया इस अग्निपथ योजना को लेकर, और सरकार से मांग की जा रही है कि इस योजना को वापस लिया जाए। एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब सरकार कह रही है कि अग्निपथ योजना इतनी ही कारगर है तो आखिर क्यों युवा इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स की भी माने तो कुछ एक्सपर्ट्स भी इस अग्निपथ योजना के समर्थन में हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विनय गोयल जी वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भागीरथ शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विनय जी मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम बात करें अग्निपथ योजना की तो इसका विरोध ये तो नहीं कहेंगे कि जिस तरीके से पहले प्रदर्शन किया जा रहा था उस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी भी युवा इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बड़ी वजह है कि युवा इस योजना को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप ठीक तरीके से इस योजना को युवाओं तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, जो लोग राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए हैं वो अपने रोजगार के साधन ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके लिए इस योजना में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इसमें केवल देश के 17.5 साल से लेके इस वर्ष 23 साल तक के, और अगले वर्ष से 17.5 साल से लेके 21 वर्ष तक के जो हमारे नौजवान हैं उनको सेना में जाने का अवसर है। और जितने लोग ये मैं प्रदर्शन इनका जो धरना प्रदर्शन सत्याग्रह जो कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग, इनमें से एक भी व्यक्ति इस आयु वर्ग का मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि, और आज ही के समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा था कि वायुसेना के लिए जो अग्निवीर के लिए जो रिक्तियां निकली थी उसमें 3,000 रिक्तियों के सापेक्ष 50,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने इसे स्वीकार किया है, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। जिनके लिए ये योजना बनाई गई है वो इसको इसका सदुपयोग करना चाहते हैं, इसका इसको सम्मान दे रहे हैं, और जिनके लिए ये योजना नहीं है वो अपने राजनीतिक रोजगार के लिए अन्य साधन अपना रहे हैं जो कि उनके लिए कतई लाभकारी नहीं होंगे, उससे उन्हें कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। ठीक है विनय जी, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी अग्निपथ या सत्याग्रह? मैं गोयल साहब की बात के बारे में एक बात जरूर कहूंगा जी, इनकी कौन सी योजना है जो संबंधित पक्ष की समझ में आया? ये किसान बिल है, किसान की समझ में नहीं आया जी। ये GST बिल है, गोयल साहब खुद जो है व्यापारी वर्ग से है, GST बिल इनकी समझ में नहीं आया। ये योजना ला कौन सी रहे, किसके लिए ला रहे जब लोगों की समझ में नहीं आ रही? इस देश के गरीब आदमी की समझ में ये नहीं आया कि सरकार बनाई क्यों। अभी खाद्य योजना, उसमें ये लोगों का जो है खाद्य बंद कर रहे हैं, राशनिंग का खत्म कर रहे हैं। और फिर जो अग्निवीर योजना है ये कौन सी अग्नि की है? सेना में योजनाएं नहीं चलती हैं गोयल साहब,
सेना देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के हिसाब से लोग उसमें जाना चाहते हैं, आपने सेना में भी योजना चला दी। आखिर आप इस देश को ले जाना कहां चाह रहे हैं? क्या योजना है ये? हानि लाभ का खेल है क्या? बताइए आप। हो गई आपकी बात पूरी? मेरी मेरी क्या बात है, तो जनता की बात है। आप बच्चों को ले जा कहां रहे? तो मैं आपका जवाब दूं। नहीं, आप 2 करोड़ रोजगार रोज प्रति साल देना चाह रहे थे, 8 साल में आपने 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 1 करोड़ से ज्यादा पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं, और आपने झुंझुना थमा दिया कि अग्निवीर, अब अगला कौन सा वीर होगा आपका? परमवीर तो हमने सेना में सुना था, लेकिन ये अग्निवीर एक नया शब्द है। ये मोदी जी के ख्याली पलाव हैं, जैसे पहले भाषण वीर और आंदोलन जीवी। अरे महाराज, इस देश के युवाओं को बख्श दो, ये देश का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं आप? और इसमें कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है यशि, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। जिस युवा को आप योजना के तहत सेना पे खड़ा करेंगे, वो किस जज्बे के साथ देश के लिए लड़ेगा? माखौल बना दिया इन्होंने सेना का। ठीक है राजेंद्र जी, मैं इस पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगी, पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लेती हूं मैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवीन आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है रवीन जी आपका। लेकिन उससे पहले पीसी थपेराल जी, आपका रुख करूंगी अग्निपथ या सत्याग्रह। आज कांग्रेस से पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन किया, हालांकि कांग्रेस से जो प्रदर्शन किया उसके अलावा अगर बात करें तो कुछ युवा अब कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि जो विरोध हमने शुरुआती दौर में देखा अब कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक कम हो चुका है, और अब युवा भी इसके समर्थन में थोड़े बहुत नजर आने लगे हैं। क्या कहना है? थपलियाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। जी, मैंने कहा हम सेना में रह चुके हैं जी, और हमने देखा है कि इसमें पक्ष और विपक्ष करना ये बहुत बड़ा मजाक है देश की रक्षा सुरक्षा के साथ जी। क्योंकि आज लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि चाहे उपनल की भर्ती हो मेरे राज्य में, एक जो तमाशा जिनको अंधकार में युवाओं का भविष्य डाला हुआ है, ये राष्ट्रीय उपनल है जो 4 साल है। भगवान करे, मैं बद्रीनाथ से प्रार्थना करता हूं कि जो इसकी बढ़ चढ़ के बढ़ाई कर रहे हैं उनके बच्चों को केवल 4 साल के लिए रोजगार दे। भगवान 4 साल के लिए रोजगार दे। मजाक कर दिया, कितनी मुश्किलों से आदमी रात दिन के दौड़ लगाते लगाते तैयारी करता है, और उस तैयारी पे जिस तरह इन लोगों ने, जो सत्ता के भूखे बेड़ियों ने, मैं कहूंगा जिनको मालूम नहीं है कि फौज क्या चीज है, इन्होंने ऐसा कर दिया है कि उसके साथ खेलने लग गए। आप देखिए, उत्तराखंड के युवाओं का एकमात्र सहारा होता है सेना, एकमात्र सपना होता है सेना। उनकी थाली रोजी रोटी सब कुछ, हमारी इकोनॉमी जो है वो पेंशन इकोनॉमी है हमारे पहाड़ की, और उस पे ठोकर मारी है इन दरिंदों ने, ठोकर मारी है। मैं कहता हूं कि इसलिए हम रोष है क्योंकि हमें ना तो घोड़ा गाड़ी चलाना आता है, ना हमारे खेत खलिहान इतने मजबूत हैं कि हमारा पेट भर सके, हम मजदूरी भी नहीं कर पाते। और इस तरह से जो कुछ आज दिन तक इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा सीमाओं पे अपना रोज ये सेना में रहे हैं, और सेना हमारा मुख्य मुख्य आधार है हमारी जीविका का, और उस आधार पे छोड़ लगाना, यानी मैं बच्चे 4 साल के लिए, बताइए आप कितना, मतलब 4 साल में फिर उसके बाद फिर टेंशन, मतलब उनका जीवन तो टेंशन में बीतेगा। 4 साल के बाद बोल रहे कि 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। अरे व्हाट इज दिस, तुमने कारगिल शहीदों को भी 20 लाख रुपए दिया था, आज उनकी हालत देखिए। अगर तुमको देखना नहीं आता तो तुम राजनीति के सत्ता में रहने लायक नहीं हो। तुमने महिलाओं को परमानेंट कमीशन किया है फौज में, महिलाओं को जिनको की
सात आठ नौ दस साल का प्रमाण शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत हम महिलाओं को रखते थे, इसलिए रखते थे कि इस देश में महिलाओं से ज्यादा पुरुष जो है बहुत ज्यादा संख्या में है, और जो युद्ध होता है युद्ध में पुरुषों का महत्व तो ज्यादा होता है महिलाओं से, उसके बावजूद भी इन्होंने महिलाओं को परमानेंट कमीशन किया और हमको चार साली सैनिक, मतलब आप ही देखिए कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था और चोटी पे दुश्मन बैठा था, तो हम जिस जज्बे के साथ सीने पे गोली खाते हुए उन पहाड़ियों में चढ़कर उस चोटी को हमने फतेह किया, वो जज्बा इन चार साली युवाओं में होगा? कतई नहीं होगा। ये दूसरी चीज जो खतरनाक करने जा रहे हैं, गढ़वाल रेफल, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ये तमाम उसके अंदर का जो संस्कृति संस्कारों और जज्बे से भरा जो ठीक है थपलियाज, इस पर आगे हम अभी विस्तार से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि अग्निपथ के कितने फायदे और क्या नुकसान है, क्योंकि अभी जो युवा अब इससे इस अग्निपथ योजना को स्वीकार करें तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इससे अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। थपलियाज आती हूं मैं आपके पास, हमारे साथ रवीन जी भी जुड़ चुके हैं। रवीन जी, आपको क्या कहना है इस अग्निपथ योजना को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है जी कि मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता गोयल साहब का वक्तव्य सुन रहा था जी, और बहुत दुख हुआ मुझे उनकी बात को सुन के। उन्होंने किस प्रकार से इस पूरी योजना पे मजाक उड़ाने का, जो युवाओं का और मजाक उड़ाने का जो काम किया है, सबसे पहले इन्हें पूरे देश से इस बारे में माफी मांगनी चाहिए कि इनके लिए मखौल का एक मुद्दा बन गया है, ये मखौल उड़ा रहे हैं इसका, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं पहली बार के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गोयल साहब को शर्म आनी चाहिए और इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने इन शब्दों का हंसते हुए मजाक उड़ाया। मुझे लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप शर्म आनी चाहिए। आपने आप इस तरह बोलिए, विनय जी रुक जाइए, विनय जी रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास, शर्म आनी चाहिए, पहले बताएंगे पूरी बात। विनय जी रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास। क्या मजाक उड़ा रहे हैं? जनता पार्टी का ये चरित्र चेहरा है, इस प्रकार से आप मजाक उड़ाएंगे? आपकी राजनीतिक विरोधी दल, रवीन जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। विनय जी रुक जाइए, मैं आऊंगी वापस आपके पास। विनय जी प्लीज रुक जाइए, विनय जी रुक जाइए प्लीज। किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? विनय जी रुक जाइए प्लीज, जमान से बचिए। रवीन जी अपनी बात को पूरा करिए। आपको समझ में आती है कुछ बात? आपको क्या मजाक उड़ाया? मैंने सेना में जाता है, आप उसका पहले बताइए क्या मजाक उड़ाया? आपको समझ में बात रखनी चाहिए। आप बताइए क्या? रवीन जी प्लीज अपनी बात को पहले ये बताइए क्या मजाक उड़ाया? आप अपनी मजाक, रवीन जी अपनी क्या मजाक उड़ाया? विनय जी रुक जाइए, मैं आ रही हूँ उसी मुद्दे पर आ रही हूँ। विनय जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। रवीन जी अपनी बात को पूरा करिए। अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहना है? ये अग्निपथ योजना को क्या कहना है? विनय जी रुक जाइए, आगे हम चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। प्लीज रुक जाइए विनय जी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, प्लीज रुक जाइए। आपको माफी मांगनी चाहिए। किस बात की माफी मांगनी चाहिए रवीन जी? किस बात की माफी मांगनी चाहिए? विनय जी प्लीज रुक जाइए, पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, आपकी पार्टी की जमानत चेहरा है, आपकी पार्टी की जमानत रवीन जी, आप व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? रवीन जी आप व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप अग्निपथ योजना के बारे में बात करिए, वो भाजपा के प्रवक्ता है। अग्निपथ योजना के अगर फायदे हैं तो वो बताएंगे। आप जिस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, वैसे ही वो अग्निपथ योजना के समर्थन में, तो वो आपको फायदे बता रहे हैं। आप चुप रहिए, बताइए विनय जी प्लीज रुक जाइए। खत्म होगी ना, आपने किस प्रकार से आप योजना को लेकर मजाक उड़ाई है?
ये मजाक उड़ाने का मुद्दा नहीं है गोयल साहब, माफ करना, ये मजाक उड़ाने का मुद्दा नहीं है, माफी मांगने की है। आप यहाँ पार्टी की विनय जी प्लीज रुक जाए, ये गलत तरीका है आपका। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए इसलिए मैं माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपकी पार्टी है। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज सभी को यहाँ पर म्यूट कर दिया जाए, और मैं वरिष्ठ पत्रकार आपका रुख करना चाहती हूँ। भागीरथ जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ कहना है आपको? भागीरथ जी आती हूँ मैं राजेंद्र जी इसके बाद। नमस्कार, देखिए योजना का जो भी है तस्वीर के दो रूप होते हैं, और मैं तो ये राजनीतिक वाद प्रतिवाद पे नहीं जाऊंगा जी। अब एक सूचना अभी गोयल साहब ने दी कि 3000 जो एयरफोर्स में 3000 पदों के सापेक्ष करीब 50,000 लोगों ने आवेदन किया है जी। निश्चित रूप से जरूरतमंद होंगे या देश के लिए कुछ करने का जज्बा होगा। एक सवाल बड़ा मुझे लगता है, जब ये योजना लॉन्च की गई तो उस समय लॉन्च यूं ही नहीं हो जाती, उसके सर्विस रूल बनते हैं, पूरा विधिवत बनता है जी, क्या उसके पदों का सृजन किया जाता है। तो सवाल ये शायद नहीं बताया गया अच्छी तरह अभी तक कि ये जो अग्निवीर होंगे इनके लिए पृथक से कोई कैडर स्ट्रक्चर बनाया गया, पदों का सृजन किया गया है, या सेना में जो पहले से 1.5-2 लाख पद खाली हैं उन पदों के सापेक्ष अग्निवीर नियुक्त होंगे, ये चीज स्पष्ट नहीं हुई है। जानते होंगे सब, जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि विनय जी शायद इस पर प्रकाश डालेंगे कि ये वो पद नहीं है जो पहले से सेना में तीनों सेनाओं में रिक्तियां हैं करीब 1.5-2 लाख की, उन पदों के सापेक्ष अग्निवीर नियुक्त नहीं होंगे, बल्कि इनके लिए पृथक से पदों का सृजन किया गया होगा। इसलिए युवाओं में शायद भ्रम है कि जो हमारे रहे हों, हो सकता है कोई ऐसे तत्व हो जिन्होंने उकसाया होगा, ये सारी बातें हो सकती हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हिंसा कम हुई। लेकिन सरकारी पक्ष से ये भी आया जिसको विपक्ष कह रहा था कि भाई दिखाया जा रहा है, युवाओं को डराया जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि इसलिए युवा जो है अब उग्र आंदोलन की तरफ नहीं है और शांत तो हो गए जी। तो दूसरा जो ये भी एक संकेत है कि 3000 पदों के लिए 50,000 युवा खड़ा हो गया एक दिन जी। तो ये सारी बात है, मैं उम्मीद करूंगा अभी चूंकि राजनीतिक वाद प्रतिवाद हो रहा था, उस वाद प्रतिवाद से अलग जी। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 17 से 21 या 23 साल की उम्र तक अधिकांश जो कम से कम ग्रेजुएशन करते हैं उनको नौकरी मिल नहीं पाती जी। तो अधिकांशतः फोर्स में, चाहे पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो, स्टेट पुलिस हो, और इनमें जरूर नौकरी
मोमेंट जहां भाजपा की सरकार तमाम अन्य प्रोसेस है, सरकारी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर रोकना चाहूंगी और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आंदोलन अग्निकथ अग्निपथ या फिर सत्याग्रह। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं अग्निपथ या सत्याग्रह। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की थी और अग्निपथ योजना में 17 साल से करीब 23 साल की उम्र सीमा वाले युवा भर्ती होंगे और 4 साल तक देश की सेना में 3 अंगों में शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा करने के बाद से ही पूरे देश में इस योजना के खिलाफ युवा का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और अब कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को विपक्ष का भी साथ मिल चुका है। हालांकि अब जो हिंसक प्रदर्शन पहले युवाओं के द्वारा किया जा रहा था उसमें जरूर अब कमी देखी जा रही है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले राजन जी आपका रुख करूंगी मैं, उसके बाद विनय जी आपसे जवाब लूंगी। राजन जी, यशी मेरा ना इस मामले में एक टेक्निकल सबमिशन है जी। मेरा कहना यह है कि एक पद और दो उसके स्लैब नहीं हो सकते उसकी सैलरी के, जो परमानेंट आप नियुक्त करेंगे उसे आप पहले साल से सैलरी देंगे 40-42 हजार और जो आप अग्निवीर करेंगे उसी पद पे उसे आप 20 हजार देंगे। दूसरी चीज, एक स्लैब पे आप एक ही पद पे आप उसे पेंशन भी देंगे, आप उसे हेल्थ फैसिलिटी भी देंगे, आप उसे जो है कैंटीन फैसिलिटी भी देंगे, उसकी फैमिली को भी देंगे और उसी पद पे दूसरी नियुक्ति आप कोई फैसिलिटी नहीं करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली अनफेयर है, ये राइट ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन है जो बदकिस्मती से फौज में हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है गोविंद साहब, मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूँ वो पार्टी से पहले इस देश के नागरिक होने के नाते रख रहा हूँ। मेरे परिवार से तीसरी पीढ़ी फौज में है, मेरे नाना फौज में थे, मेरा भाई आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर, मेरा एक भांजा आर्मी में मेजर है, मेरा एक भतीजा नेवी में ऑफिसर है। मैं वास्तविकता से परिचित हूं और मैं आपको आश्चर्य होगा, ये व्यक्तिगत बात है, जनता में नहीं जानी चाहिए, जिस समय मेरे भाई उन्होंने इंडियन आर्मी को एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया तो उनकी फीस उनकी फर्स्ट सैलरी से ज्यादा थी। जब एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट उन्हें सैलरी मिली तो जो उनकी देहरादून में एक बहुत बड़ा कॉलेज है जो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आता है उसमें मेरे भाई पढ़े, उसकी जो मंथली फीस थी वो एक कैप्टन की सैलरी से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने चूज किया इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना। ये एक जज्बात की बात है, ये देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात है। आप मेरा आपसे गोयल साहब, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं,
और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप अपनी पार्टी में इस बात को उठाइए कि देश की सेना के साथ योजना मत लगा। ठीक है राजन जी, चला आऊंगी मैं वापस आपके पास। विनय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। विनय जी, प्राइवेट ठगों का काम है। विनय जी, ये सेनाओं के साथ शर्तें लागू मत करो आप, वरना जो जो ये योजना वीर है ना, ये बॉर्डर छोड़ के भाग जाएंगे जैसे थपलियाल जी कह रहे थे अभी। ठीक है राजेंद्र जी, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ विनय जी से। विनय जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। विनय जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक, अनम्यूट करें खुद को। हेलो, हाँ जी, अब अपनी आपकी आवाज आ रही है, पूरा कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरा कहना ये है जी कि जो राजेंद्र जी ने जो विषय उठाया, देखिए मैं सबसे पहली बात तो आपको ये कहना चाहता हूँ जी कि हमें अपने नेतृत्व पर, जो इस समय देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो भारत माता का मान बढ़ाने के लिए अपना परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर हमें अगाध श्रद्धा है और विश्वास है। वो कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो 1% भी देश के अहित में हो या देश के युवाओं के अहित में हो। पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये लगता है कि अब माथा पीटने वालों को तो माथा ही पीटना पड़ेगा जो माथा पीट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जो जिस प्रकार की बातें आप करते हैं, मुझे लगता है कि इससे ना तो आप मैं उनके दल को फायदा होता है ना जनता को फायदा होता है। आप ये बताइए, आपने सारी योजनाओं में कमी निकाल दी, आपने नोटबंदी में कमी निकाल दी, आपने जीएसटी में कमी निकाल दी, आपने सारी और सारी योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। आज हमारे जीएसटी का कलेक्शन कहां से कहां पहुंच गया और जिनके लिए जीएसटी लागू की गई है। हाँ, आपकी बात राजेंद्र जी बिल्कुल सही है, प्रारंभ में नहीं समझ में आई थी हमें जीएसटी, लेकिन आज सबकी समझ में आ रहा है जीएसटी और हर व्यापारी उसकी तारीफ करता है। हाँ, कुछ देखिए कोई व्यवस्था बनती है तो शुरू में परेशानियां होती हैं, उसे समझने में समय लगता है। इसी प्रकार से जो आज जितने आपने पदों की बात बताई, मैं आपका आपको नमन करता हूं कि आपके परिवार की देश की सेना के प्रति इतनी सेवाएं हैं, उसके लिए मैं आपके परिवार का भी नमन करता हूं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि ये सारी जो सेवाएं आपने गिनाई, चाहे वो कैप्टन हो, मेजर हो, लेफ्टिनेंट हो, उनके लिए तो ये योजना नहीं है। ये सैनिकों के प्रारंभिक के लिए योजना है, सैनिकों के लिए ये योजना है, जो सारे अभागे सैनिकों के लिए एज इट इज रहने वाली है। और ये और इसके बाद भी वो कर्नल भी बन सकता है, लेफ्टिनेंट भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। उसको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी, 22-23 साल की उम्र में किसी की पढ़ाई समाप्त नहीं हो जाती, उस समय तो उसको अपने कैरियर शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ट्रेनिंग जैसा एक प्रकार से शुरू में लोगों को अनुशासित करने का एक प्रोग्राम है और उनको साथ साथ स्वावलंबी बनाने का भी प्रोग्राम है। इससे देश का हित होने वाला है, अहित कहीं से भी नहीं होने वाला है। ये हो सकता है मेरे थपलियाल जी जैसे विद्वान मित्र के समझ में अभी नहीं आ रही हो, मुझे भी हो सकता है नहीं, बहुत सारी बातें ना पता हूं क्योंकि मैं उस विषय का तज्ञ नहीं हूं, जितने हो सकता है थपलियाल जी क्योंकि सेना से जुड़े हुए हैं जानते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सब चीजें राजेंद्र जी राजेंद्र जी ये भी पूछ सकते हैं आप सवाल, वो वास्तव में उसे अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता जी जी राजेंद्र जी अपनी बात कह सकते हैं। विनय जी रुक जाए। विनय जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप ये ऑफिसर के लिए है या राजेंद्र जी से शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। पीसी थपलिया जी, जी जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। उसका जो मोरल है वो प्रभावित होता है। दूसरी चीज, रुकिए थपलिया जी, राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए, थपलिया जी इसके बाद में आपके पास आऊंगे। दूसरी चीज ऐसी है गोयल साहब, आप अपनी योजना, आपकी जो योजना है ना, उनका जो केंद्र है वो देश के बड़े पूंजीपति है, अडानी अंबानी। अगर आपको उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाना है,
अगर आपको उनके लिए कुछ और फैसिलिटी करनी है तो कृपया करके सेना को बख्श दो। इस देश की सीमाओं पे इस समय दुनिया में सबसे बड़ा खतरा चीन खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा है, श्रीलंका के आर्थिक और आंतरिक हालात ठीक नहीं है, ऐसे समय में सेना में प्रयोग नहीं किया जा सकता। दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दिस पर्पस। दूसरी चीज, आप सेना के मोरेल को गिरा रहे हैं। 4 साल की सेवा में और 6 महीने की ट्रेनिंग में थपलियाल जी एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, क्या 6 महीने की ट्रेनिंग में एक सैनिक पूरी ट्रेनिंग ले लेगा? आर्टिलरी है, सिग्नल्स है, इंजीनियर्स कोर है, बहुत सारी कोर ऐसी हैं जिनमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी, 1 साल की ट्रेनिंग भी सफिशिएंट नहीं है। गोयल साहब, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को समझाओ कि 4 आदमियों से चर्चा करने के बाद कोई नीति लागू करें और कृपया सेना को बख्श दो। ठीक है राजन जी, थपलियाल जी रुके रुके, विनय जी आऊंगी मैं आपके पास, एक मिनट थपलियाल जी की बात पूरा जाने दीजिए। थपलियाल जी केवल 30 सेकंड। राजन जी, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी 400 से कम से सलाह करके कोई योजना नहीं बनाते। उन्होंने जितनी बड़ी योजना बनाने का उनका जो तरीका है, जो उनका फीडबैक लेने का तरीका है, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जयश्री जी, जी राजन जी, मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा। जी जी, मैं इस डिबेट को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता राजन जी। इसके बाद अरविंद जी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, आपके लिए प्रधानमंत्री कैसी बातें कर रहे हैं राजन जी, आपके प्रधानमंत्री और अगर वो देश, आप सैनिक परिवार से होकर ऐसी बात कह रहे हो राजन जी, ऐसी बात सुन लो। प्रधानमंत्री जी किसान बिल लाए और किसान बिल आने से पहले अडानी के गोदाम बने हरियाणा में, रविंद्र जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जीएसटी से कितना व्यापार प्रभावित हुआ, नोटबंदी से कितना व्यापार प्रभावित हुआ, आप कांग्रेस का तो सारा ही हो गया। सुनो, आपने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, आपने जो है सारा क्या नाम LIC बेचने जा रहे हैं आप, आपने भारत पेट्रोलियम बेच दिया, आपने BCC भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो है उसे जीरो पे लाके खड़ा कर दिया, ONGC आज बिकने के कगार पे है। आप ऐसी बात मत करो, ठीक है आपकी आंख में चश्मा है प्रधानमंत्री जी का, उसे चढ़ाए रखो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यशस्वी मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है, जैसे मुझे 10 सेकंड दो आप जी, मुझे बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ना तो अर्थशास्त्री है, ना विदेश नीति का जानकार है, राजीव गांधी ना कृषि नीति का जानकार है और ना कानून का जानकार है। इंदिरा गांधी थे, ऐसा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, कौन सा था बता दो इनमें से अर्थशास्त्री नहीं थे, राजीव अर्थशास्त्री आपके अंदर साहस है कहने का, क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ राजीव गांधी नहीं थे, आप कहिए प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, आप कहिए हमने कब कहा कि वो अर्थशास्त्री है? आप एक आदमी, राजीव जी रुक जाइए, राजीव जी प्लीज रुक जाइए, और विनय जी आप भी रुक जाइए, रविंद जी अपनी बात को पूरा करिए, रविंद जी राजीव जी प्लीज रुक जाइए, राजीव जी प्लीज रुक जाइए, मेरे साथ एंटायर पॉलिटिकल साइड, राजीव जी मुझे सबको मौका देना है प्लीज, रविंद जी नहीं, यशी अगर कोई पर्सनल अटैक करेगा तो वो बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बहुत निर्दयता से और देश हित की बात कहता हूँ। बिल्कुल राजीव जी, अब रुक जाइए रविंद जी। जी मैडम, देखिए मैं ये कह रहा था कि जब काले किसान बिल लाई भारतीय जनता पार्टी सरकार जी, तो 750 किसानों की मृत्यु हुई, उसके बाद सरकार को ये समझ में आया कि ये बिल ठीक नहीं है और उस बिल को वापस लिया गया। दूसरी बात जो गोयल साहब ने कही, अरे भैया जो बिहार में जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे वो ना तो कांग्रेस के थे ना किसी अन्य दल के थे, वो युवा थे जो सुबह 4 बजे दौड़ लगाते हैं और लगभग 2-3 साल तक प्रयास करते हैं उन पैरामीटर्स को पार करने की जो सेना द्वारा रखे गए हैं, और अगर वो उनमें पास हो जाते हैं उसके बाद आप उन्हें 4 साल बाद बाहर निकाल देंगे। आपके खुद एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मैं अग्निवीरों को
भारतीय जनता पार्टी के जो गार्ड है, ऑफिस गार्ड वहां रख लूंगा, ये तो आप लोगों की मानसिकता है। दूसरी बात जो अभी राजेंद्र जी ने कही कि मोदी जी के बारे में, देखिए मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता, आपको वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो आपके नेता हैं, आपको इसलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपने ये कहा ना बहुत सोच समझ के चीजों को करते हैं। आप मुझे बताएं कि नोटबंदी से किसको लाभ हुआ, कितने गरीब उसमें मारे गए, आप मुझे बताएं जीएसटी में 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, किसको लाभ हुआ, आप मुझे बताएं आज जो व्यापार का हाल है, आज जो जीडीपी दर गिरी हुई है, आज जो पेट्रोल के दाम है, मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल के दाम कम होंगे और कई बार उन्होंने पूछा भी कम हुए कि नहीं हुए। तो देखिए ये सब चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े निर्णय लेती है उसमें वो छोटे तबके को छोड़ देती है, और जो अग्निवीर योजना है मुझे जो पर्सनली लगता है ये ठीक नहीं है, जैसा कि थपलियाल जी ने भी कहा, क्योंकि जब तक उसे ये समझ में आएगा कि सेना में करना क्या है तब तक उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी, और एक युवा को आप बंदूक चलाना सिखा करके रोड पर छोड़ देंगे, आप देश को किशोर ले जाना चाहते हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपने और देशों को देख करके ये योजना लागू करी ऐसा समझ में आता है, लेकिन उन देशों की पॉपुलेशन कितनी है, उन देशों में संसाधन कितने हैं, वो एक देखने वाली बात है। भारतवर्ष में जहां की 1.5 अरब के आसपास हम पहुंच रहे हैं आज, वहां पर इसको लागू करना क्या ठीक होगा, इस बारे में सोचना पड़ेगा, तब आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है रविंद्र जी, भागीरथ जी कुछ कह रहे थे, भागीरथ जी। भागीरथ जी आपकी आवाज। जो 75% लोग सेना से रिटायर होके आएंगे अग्निवीर जी, अभी तो तमाम राज्य सरकारें भी कह रही, केंद्र सरकार भी कह रही, तो उनको किस प्रकार सेवायोजित करेंगे विभिन्न विभागों में, इसको लेकर भी आशंका हो रही है जी। वो इसीलिए कि उत्तराखंड के संदर्भ में कहूँ, यहाँ जो राज्य निर्माण आंदोलनकारी थे उनको 10% क्षैतिज आरक्षण का जो व्यवस्था सरकार ने दी, और वो जो है कोर्ट में चैलेंज हो गई और वो धड़ाम हो गई। अब सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो अग्निवीर जब ग्रस्त में प्रवेश की उम्र में जब घर वापस आएंगे तो उनको किस प्रकार सेवायोजित करेंगे विभाग में, क्योंकि आरक्षण की सीमा तय है, उससे जो तय सीमा से ऊपर आप दे नहीं सकते। अब आप उनको क्षैतिज आरक्षण देंगे, कितना देंगे, वर्टिकल आरक्षण देंगे, कैसे देंगे, तो ये सवाल है। मैं चूंकि तकनीकी बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी अपेक्षा कर रहा था गोयल जी से कि मैं बताता हूँ। एक मिनट, मैं उन्होंने ये नहीं बताया कि अग्निवीर जो होंगे उनके लिए अलग स्ट्रक्चर बनाया, अलग पद सृजित किए हैं, या जो पहले से रिक्तियां हैं उन पदों के अगेंस्ट ये पद भरे जाएंगे, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ जी, क्योंकि वो जो रिक्तियां हैं वो अवसर जो हैं वो अपनी जगह स्टैंड करेंगे, और जिनको स्थायी सेना में जाना है वो उनके लिए कम। थपलियाल जी इसके बाद में आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले विनय जी से जवाब लूंगी मैं जी। विनय जी सवाल है आपका। भागीरथ जी जो प्रश्न उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब दीजिए कि अलग पद नियुक्त किए गए हैं, अग्निवीर क्या, कौन लोग अग्निवीर होंगे, ये तमाम सवाल है जो भागीरथ द्वारा जी पूछे जा रहे हैं, और बहुत सारे युवाओं के मन में भी यही प्रश्न है। देखिए वो स्पष्ट किया गया है कि जो 25% रखे जाएंगे वो वही लोग होंगे जो कम में होंगे। उन्होंने सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई हम ढांचा कम नहीं कर रहे हैं, सेना का ढांचा उतना ही रहेगा, कोई रेजिमेंट खत्म नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रही है। तो जो 25% जो छटेंगे तो वो तो रेगुलर सैनिक बनेंगे ही ना। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी पूरी तरह से ये योजना सबको समझने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजें समझ में लोगों के आ गई हैं, बहुत सारी चीजें समझ में समय से आ जाएंगी, लेकिन लगता है गोयल जी को भी पूरा नहीं पता योजना जो है। मेरे पूरी बात नहीं पता है योजना तो आपने ला दी, आपको पूरा नहीं पता।
भैया मुझे लगता है भाई आज आप कुछ और बैठे हैं, आप मुझसे ना ही उलझे तो कर रहा हूँ आपने बताया। अग्निवीर अलग होंगे, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कीजिए भाई साहब। नहीं आप बैठे हैं, थपलियाल जी कैसे समझते हैं आप इसे? विनय जी के पास तो शायद इस बात का जवाब नहीं है। थपलियाल जी आप कैसे समझते हैं इसको? जो 25% थपलियाल जी विनय जी रुक जाइए, विनय जी रुक जाइए, अब आप थपलियाल जी प्रक्रिया चलती रहेगी। हेलो जी जी थपलियाल जी कैसे देखते हैं आप इसे? जो बात जो प्रश्न भागीरथ जी कह रहे थे कैसे देख रहे हैं आप? सेना ने स्पष्ट रूप से बताया है जी, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये योजना बैक नहीं होगी, ये चलेगी। और इसमें जो महत्वपूर्ण है कि ये पूरे जो 25% ले रहे हैं ये चार साली युवाओं में, ये धीरे धीरे पूरी आर्मी को रिप्लेस करेंगे, कोई भर्ती नहीं होगी इनके सिवाय। सिपाहियों की जो भर्ती होगी यही एक दरवाजा होगा जिसके माध्यम से फौज में भर्ती की जाएगी। और दूसरा लगभग इसमें 10 से 12 साल लगेंगे जब ये पूरी फौज रिप्लेस हो जाएगी। दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज ये है कि ये स्ट्रेंथ भी कम कर रहे हैं फौज की, और पेंशन जो योजना है उसको भी भार, क्योंकि उनको ये लगता है इसराइल इनको इनका जो वो बर्डन है पेंशन का, यह बोझ जो सरकार अंग्रेज हमें जो दे गए थे सुविधाएं, उन सुविधाओं को इंडियन जो ये आ रखे हैं काले अंग्रेज, ये उसको खत्म करने जा रहे हैं। अब उसके बाद जो इन्होंने जो इसराइल करता है अमेरिका करता है वो क्या करते हैं कि पूरे युवाओं को मौका देते हैं 100% युवाओं को देश के कि वो इतने साल भर्ती रहेंगे तभी वो अन्य जॉब में जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो गरीबों के किसानों के बेटों के लिए ही ये योजना है, क्योंकि जो किस्मत के मारे हैं वो चार साल योजना में जाएंगे, वो चार साल योजना में जाएंगे वो क्यों। दूसरी चीज है कि जो भगीरथ जी बोल रहे थे कि आने के बाद हम जो रेगुलर फौजी हैं हमको भी कहा गया था कि तुम्हारा पुलिस में रिजर्व होगा, तुम्हारा सरकारी कर्मचारियों में होगा सीआरपीएफ में होगा, लेकिन हमेशा धोखे में रहे हैं, इन लोगों ने रिसेटल नहीं किया है। लेकिन इस समय जिस तरह से ये नई नवेली जो ये चार साली फौजियों के बारे में ये बोल रहे कि हम ये भी करेंगे, तुम मर गए तो तुम्हें 1 करोड़ रुपया देंगे, ये चीजें चुभ रही हैं उन सैनिकों को जो इस समय सीमाओं में हैं। उनको लग रहा है कि एक सौतन हमारी पैदा हो गई है, दो ऐसी भावनाएं पैदा कर दी इन्होंने आदमी के अंदर, हम एक जैसे परिवार के जैसे रहते थे वो अब परिवार खत्म कर दिया, तोड़ दिया इन्होंने। इन्होंने जब कारगिल का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के दौरान में इन्होंने उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया, विजय दिवस के रूप में नहीं। ये एक अलग चीज करना चाहते हैं, ये एक षड्यंत्र है। ये उस षड्यंत्र के हिस्से में मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुम आर्मी को प्रयोगशाला मत बनाओ, तुम BSF को बना लो, आस्थान राइफल को बना लो, IDBP को बना लो, तुम आर्मी में क्यों गए, तुम आर्मी के अंदर तुमने क्यों ऐसा किया कि दो धाराएं वहां पे खड़ी होंगी, एक ये टेम्पररी जो युवा वहां पे होंगे और एक जो ये मतलब ठेके में फौजी, और एक वो फौजी होगा जो निरंतर अभी तक रहा है। तो उस वो अब वो योजनाएं खत्म है। और दूसरी चीज आरक्षण के बारे में, वो फौजों में कोई आरक्षण नहीं होता है जो भगीरथ जी बोल रहे थे, क्योंकि ये सिविल जॉब में जो सरकारी कर्मचारियों में SC ST ये तमाम आरक्षण होते हैं जो 49% तक होता है संविधान के मुताबिक, वो फौजों में नहीं होता। इसलिए ये BSF में 10 करें 15 करें कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम आरक्षण नहीं लाते। इस चीज का क्लेरिफिकेशन गोयल जी नहीं दे पाए भगीरथ जी को, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि संवैधानिक प्रॉब्लम आएगी जब वो आरक्षण देंगे। इन्होंने अभी भी आरक्षण दे रखा है हमें, लेकिन नौकरियां नहीं देते। ये तो पक्का उपनल है, राष्ट्रीय उपनल जो ये चार साली भर्ती है, मजबूर है, जाएंगे लोग लाखों की संख्या में खड़े होंगे। चार महीने के लिए भी करते ना ये, तो भी हम जाते, आप ही पेट का सवाल है। ठीक है राजेंद्र जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, रविंद्र जी इसके बाद आपके पास होंगे। राजेंद्र जी यशी जी जी
गोयल साहब जी, जो बच्चे फौज में भर्ती की होने के लिए जाते हैं, आप उनके बैकग्राउंड को समझिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे परिवेश के बच्चे हैं जिनके माँ बाप हायर स्टडीज को एफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी माली हालत कमजोर है। दूसरी चीज, वो ऐसा मानते हैं बच्चे भी कि फौज में जो सिलेक्शन होता है वो निष्पक्ष होता है, ईमानदारी से होता है, वहां रिश्वत नहीं चलती। अगर वो अपने शारीरिक सौष्ठव के बल पर वहां उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो वो उन्हें भरोसा रहता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हमारा और हमारे परिवार का एक भविष्य बनेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी दिन आइए, मैं आपको अपने गांव में लेके चलता हूं, जहां लगभग 200 से ज्यादा लड़के मुझे दौड़ते हुए रोज मिलते हैं सुबह शाम, और उनसे पूछिए। और उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, ना उनके कोई आर्थिक हालात ऐसे हैं, जमीनें बहुत कम है, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 1.5 एकड़ है, वो ऐसे ही नहीं जा रहे। और फिर दूसरी चीज क्या है, उन लोगों के मन में एक जज्बा है कि हम भी वर्दी पहनेंगे, हमारे भी स्टार लगेंगे, हम भी JCO या ऑफिसर्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लड़के कोई पढ़ाई में कमजोर हैं, वो संसाधनों के अभाव में हैं, वरना वो भी ऑफिसर बन सकते हैं, वो भी और बहुत चीजों में आ सकते हैं। और मैं एक बात कहूंगा गोयल साहब, फौज के जो रिटायर्ड जवान हैं उनका 10% आरक्षण है पैरामिलिट्री फोर्सेस में। और मैं परसों एक टीवी डिबेट देख रहा था जिसमें आधिकारिक रूप से उन्होंने एक डाटा दिखाया कि 10% आरक्षण के सापेक्ष 1.23% लोगों को ही अकोमोडेट किया, जैसे तपलियाल जी अभी कह रहे हैं। मेरा मानना यह है कि गोयल साहब, सेना जो है उसे हम राजनीति से, पार्टीबाजी से, रिसर्च उद्योगशाला से, राजेंद्र जी वक्त की भी कमी है हमारे पास, विनय जी से भी हमें जवाब तो लेना है, देश हित की बात हो। जी रविंद्र जी, अपनी बात को बहुत कम शब्दों में पूरा करिए, उसके बाद विनय जी मैं आपके पास आऊंगी। मैं सिर्फ मैडम इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश को प्रयोगशाला बनाना बंद करना होगा। इस प्रकार के प्रयोग बार बार जो किए जा रहे हैं, चाहे किसान बिल के रूप में हो या अग्निवीर योजना के रूप में हो, इन प्रयोगों को बंद करना होगा, तभी देश का कुछ भला हो सकता है। और यदि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना, और जो इन्होंने नारा दिया है विकल्प रहित संकल्प, उसके पीछे की जो बात है वो अगर हम सब समझें कि ये विकल्प को ही खत्म कर देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है वो हिटलरवादी हो चुकी है, और इस प्रकार की प्रयोगशाला करके वो हिटलरशाही को जन्म दे रहे हैं। विनय जी, एक सीधा सीधा सवाल है कि क्या 4 साल की ये जो भर्तियां हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि देश के पास पैसा नहीं है सेना में देने के लिए? यस, नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, जी, सबसे पहले तो एक बात समझने की आवश्यकता है। जी, बहुत सुधी लोग यहाँ चैनल डिबेट में हैं। जी, क्या सेना कोई बेरोजगारी उन्मूलन प्रोग्राम है? क्या सेना बेरोजगारी दूर करने के लिए? विनय जी देखिए, मैं इस पर आगे बहुत ज्यादा बहस तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि एक व्यक्ति, देखिए इससे पहले भी मैं डिबेट में ये बात कह चुकी हूँ कि एक व्यक्ति जो सेना में जाता है उसके पीछे 4-5 लोग होते हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? आपको क्या लगता है कि सेना में जो व्यक्ति भर्ती होने आ रहा है उसके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है? आप ये रोजगार से तो बिल्कुल उसको जोड़ना नहीं चाहते, आप सिर्फ देशभक्ति देश प्रेम जगाना चाहते हैं। मैं जानती हूं, मैं मानती हूं कि देशभक्ति देश प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन क्या किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होगा? लोग अपनी फैमिली को नहीं, बहुत सारे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे जो इस आस में जी रहे हैं कि भले ही हमारा जीवन ऐसे खराब हुआ हो लेकिन कम से कम हम मरेंगे तो सुकून से, अगर मेरा बेटा फौज में होगा तो। लेकिन सेना को कृपया बेरोजगारी उन्मूलन विभाग मत बनाइए, इसे देश सेवा का, देश की सुरक्षा का माध्यम बनाइए। अपने बेटे को भेजेंगे योजना, इस योजना में? अरे अपने अपने बेटे की बात करो, परिवार से किसी को भेजेंगे? कभी नहीं भेजेंगे। ऐसा कोई नेता कभी नहीं। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप अपने परिवार से किसी बच्चे को भेजेंगे? रोजगार लगी हुई है, आपका बेटा बेरोजगार है, अपने परिवार में क्या करवाना चाहते हैं आप? क्योंकि आपकी राजनीतिक बेरोजगारी, आप तो सारे दल ट्राई कर लिए
राजन जी माफी चाहूंगी, वक्त की बहुत कमी है फिलहाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे अग्निपथ या सत्याग्रह। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर देश का युवा सड़कों पर है भाई, साथ ही साथ अब विपक्षी दलों को भी इस योजना के विरोध में युवाओं को समर्थन दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जिस तरीके से विपक्ष या युवा इस बात को कह रहे हैं कि योजना उनके फायदे की नहीं, वही सरकार लगातार इस योजना के फायदे जनता को और युवाओं को समझाने की कोशिश कर रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, कण कण में जान गोल्डी हिंग।